लास्ट वीक में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया और ये वॉर शुरू हो चुकी है और इसके चलते पूरी दुनिया के मार्केट क्रैश हो चुके हैं। जबरदस्त गिरावट देखने मिल रही है आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में और इसी के साथ ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। ऐसे में सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रेड दिख रहे होंगे, कुछ स्टॉक 30%, कुछ स्टॉक 40%, कुछ स्टॉक शायद उससे भी ज्यादा का ऑलरेडी करेक्शन फेस कर चुके हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स में काफी ज्यादा पैनिक मचा हुआ है। कई लोग सवाल करते हैं कि क्या हम अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स को बेच दे और प्रॉफिट बुक कर ले और पैसे हाथ में रख ले ताकि जब मार्केट रिकवर हो तब हम उसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन दोस्तों जो 50% या 40% ऑलरेडी जो स्टॉक करेक्ट हो चुका है उसको अगर आप अभी बेचोगे तो वो 40% तो आप कभी रिकवर कर नहीं पाओगे। बेटर है कि आप पेशेंस रखें और अपने स्टॉक्स को रिकवर होने दें। अब ऐसे में कौन से स्टॉक्स रिकवर होंगे? सबसे पहले वो स्टॉक्स रिकवर होंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, वही स्टॉक सबसे पहले रिकवरी शुरुआत करेंगे। ऐसे में आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक लाया हूँ क्योंकि ऐसे वॉर लाइक सिचुएशन में किस सेक्टर के स्टॉक को आप ढूंढते हो वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस सेक्टर को आप चूज कर रहे हो उस सेक्टर में आपको आगे ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कौन सा वो स्टॉक है, क्यों हमने वो चूज किया है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल्स क्या है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को स्किप कर करके ना देखें वरना कुछ आप इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर जाओगे। इसके अलावा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले वरना आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपके लाइक और कमेंट की वजह से यूट्यूब को ये पता चलता है कि आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, उसी के बेसिस पे यूट्यूब अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आप अपना सेकंड डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो जो कि हर किसी के लिए जरूरी है, तो आप हमारे लिंक के थ्रू अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अपस्टॉक्स इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर है जहां आपको लोवेस्ट ब्रोकरेज के साथ फर्स्ट 30 डेज के लिए ब्रोकरेज अप टू 1000 रुपीज तक फ्री मिलेगा। अपस्टॉक्स में आप इक्विटीज, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स में आसानी से इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे एडवांस फीचर्स के साथ उसने अपना नया रिवैम्प ऐप लॉन्च किया है। अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है कि अपस्टॉक्स में क्यों डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि अपस्टॉक्स इज बैक्ड बाय नन अदर देन टाटा ग्रुप एंड रतन टाटा हिमसेल्फ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करो। आज के लिए जो सेक्टर हमने चूज किया है वो है हेल्थ केयर सेक्टर और उसमें भी डायग्नोस्टिक लैब्स के स्टॉक्स को हम फोकस करेंगे। डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में बेसिकली लालपत लैब, थायरो केयर, विजय डायग्नोस्टिक्स के अलावा एक और है मेट्रोपोलिस, ये चार मेजर प्लेयर्स हैं और पिछले 2 साल से ये काफी स्पॉटलाइट में रहे। कोविड के चलते इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट में जबरदस्त तेजी देखने मिली है, लेकिन फिलहाल कोविड के थर्ड वेव के बाद कोविड की टेस्टिंग में कमी आ रही है, तो ये कैसे ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंटैक्ट रखेंगे, अपने ग्रोथ को इंटैक्ट रखेंगे, क्या वो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो देख रहे हैं जिसकी मदद से उनकी ग्रोथ आगे भी होती रहेगी, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये रिपोर्ट का लिंक मैंने बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप रिपोर्ट को चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे। अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज की बात करें, क्वार्टरली रेवेन्यूज, जब भी हम किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं तो वो पिछले क्वार्टर से एनालाइज करते हैं, यानी कि Q3 का अगर हम देख रहे हैं तो Q2 के साथ एनालाइज करते हैं और पिछले साल सेम क्वार्टर में क्या था परफॉर्मेंस उसके साथ एनालाइज करते हैं। तो सेम ये उसी तरीके के 3 बार है, ये पिछले साल के सेम क्वार्टर Q3 के हैं, ये Q2 के हैं इस साल के और ये इस साल के Q3 के हैं। तो बेसिकली अगर आप इन चारों कंपनी के Q3 के रेवेन्यूज देखो तो Q2 के मुकाबले थोड़ा सा डिप जरूर आया, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिला, लेकिन थायरो केयर के केस में उल्टा है, यहाँ से एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने मिला है और विजय में भी अगेन एक ग्रोथ देखने मिला है। तो रेवेन्यूज तो अच्छे आ रहे लगातार थायरो केयर को छोड़ के, लेकिन क्या ये स्ट्रांग रेवेन्यूज उनके स्ट्रांग नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रही है? नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात अगर आप करें तो आप देख सकते हो लगातार पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी इसमें ड्रॉप आ रहा है अच्छा खासा। सिर्फ थायरो केयर के केस में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर थी, सिर्फ पिछले क्वार्टर में एक जबरदस्त ड्रॉप देखने मिला, ये ड्रॉप क्यों देखने मिला इसको भी हम आगे समझेंगे। तो ये बेसिकली नेट प्रॉफिट में जो गिरावट देखने मिल रही है वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की कमी होने के कारण मिल रही है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इन कंपनीज का काफी ड्रॉप हुआ है। आप देख सकते हो लगातार पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उनके डिप आ रही है। ये ब्लू लाइन है लालपत लैब की, ये है मेट्रोपोलिस और ये है थायरो कैप और ये है विजय डायग्नोस्टिक। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ विजय डायग्नोस्टिक्स ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंटैक्ट रखा है या बहुत ज्यादा डिप आने नहीं दिया, बाकी तीनों ही कंपनीज में आप देख सकते हो किस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिप आया। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इतनी ज्यादा गिरावट आएगी ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट आपके नेट प्रॉफिट पे पड़ेगा। रेवेन्यू कितना भी बढ़ते रहे लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी और वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें तो रेवेन्यू पर पेशेंट अगर आप देखो 13% गिरा ईयर ऑन ईयर और रेवेन्यू पर टेस्ट की अगर आप बात
बात करें तो वो 14% से गिरा है। अब दोस्तों इन कंपनीज की रेवेन्यू जो आती है दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो कोविड के पहले भी रेवेन्यू आती थी और कोविड आने के बाद एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिला है, कोविड के रेवेन्यू ज्यादा होने लग गए थे। लेकिन जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट कम होते जा रहा है या कोविड के रेवेन्यू के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी कम होते जा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से सिर्फ थायरोकेयर के केस में ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, बेसिकली बाकी तीनों कंपनी में ये घटता हुआ दिख रहा है। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो गिरावट की बात हुई थी वो क्यों हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्टर लालपात लैब के जो मैनेजमेंट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई एयरपोर्ट पे जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जो टेस्ट की जाती थी कोविड की उसके प्राइस में Q3 आते आते 44% की गिरावट हुई थी। ये बहुत बड़ा रीजन है उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के गिरने का। इसके अलावा एक और रीजन है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इन सब चीज के बावजूद इंडस्ट्री की जो एनालिस्ट है उनका मानना है कि ये इंडस्ट्री या ये सेक्टर जो कि डायग्नोस्टिक सेक्टर जिसे हम कहते हैं इसमें अभी भी अच्छे खासे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, इसकी ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है और ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है 12% के CAGR के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार इस तरीके से रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं। ये वाली जो लाइन है ये 12 मंथ ट्रेलिंग है, लास्ट 12 मंथ ट्रेलिंग, क्योंकि एक क्वार्टर बाकी है। फाइनेंशियल ईयर 18 ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो लगातार रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 साल का तो हम समझ सकते हैं कोविड के वजह से बढ़ रहा है, लेकिन उसके पहले भी ये रेवेन्यू बढ़ते जा रहे थे, तो ये चीज आपको ध्यान देनी चाहिए। लगातार इस इंडस्ट्री में रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। हाँ, कोविड की वजह से एक बूस्ट जरूर मिला है लेकिन ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो हो रही है, तो ये इंडस्ट्री वर्थ कंसिडरिंग है। अब दोस्तों इस इंडस्ट्री का 15-20% का जो मार्केट शेयर है वो बेसिकली कैप्चर किया हुआ है इन लिस्टेड कंपनीज के द्वारा। बहुत सारे ऐसे छोटे प्लेयर है जो लिस्टेड नहीं है, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ के पोटेंशियल अभी भी है दोस्तों। और इसके अलावा रिसेंटली Q3 के दौरान डॉक्टर लालपात लैब ने मुंबई में जो सबसे फेमस सबर्बन डायग्नोस्टिक सेंटर है लैब्स है उनको टेक ओवर किया है। इसके अलावा मेट्रोपोलिस ने साउथ इंडिया में जो जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्रेजेंस है हाईटेक लैब्स, इस हाईटेक लैब्स को एक्वायर किया है। इन दोनों ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इन दोनों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे देखने मिला आपको। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था एक और रीजन है प्रॉफिट मार्जिन गिरने का, इस Q3 के रिजल्ट्स के दौरान इन्होंने इन दो कंपनी को एक्वायर किया था, तो डेफिनेटली इनके लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होंगे, तो डेफिनेटली उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। लेकिन इन दोनों कंपनी को एक्वायर करने के पीछे बेसिकली जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है इनके, जो नंबर ऑफ इनका डेटाबेस है कस्टमर डेटाबेस, वो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों ही कंपनी के लिए 21% तक का ग्रोथ देखने मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स। इन दोनों कंपनी के अच्छे कस्टमर बेस है, अगर डिसेंट मार्जिन वो मेंटेन कर पाती है तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू आपको देखने मिल सकता है आने वाले समय में। और क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट कम होते जा रहा है तो बहुत सारे जो हेल्थ केयर सर्विसेस है ये सब डिजिटलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है इस इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री इज वर्थ वॉचिंग। अब इस इंडस्ट्री का कौन सा वो प्लेयर है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए और कौन सा वो स्टॉक है जिसमें हमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, आइए उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसके फंडामेंटल आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो करना चाहते हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या फिर ट्विटर हो, चारों के ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा और जिस किसी प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव है उसमें जरूर फॉलो करिएगा। तो जो स्टॉक हमने चूज किया वो बेसिकली एक मिड कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप करीब 21,000 करोड़ है, उसका डेप्ट है 41.44 करोड़ और उसके सामने उसके रिजर्व की अगर हम बात करें तो 1,288 करोड़, यानी कि उसकी डेप्ट टू इक्विटी निकल के आती है 0.03 जो कि बहुत ही शानदार है, मतलब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। तो डेप्ट से कई ज्यादा उसके पास रिजर्व्स हो, जब चाहे तक अपने डेप्ट को क्लियर कर सकता है, इसलिए हम इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी की कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी अच्छे कंपनी के लिए, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के लिए। इसके अलावा इस कंपनी का पेट्रोस्की स्कोर अगर आप देखें तो वो पेट्रोस्की स्कोर 9 है जो कि मैक्सिमम है। दोस्तों पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है स्टॉक मार्केट में या फिर फंडामेंटली आप फंडामेंटल एनालिसिस आप कर नहीं पाते हो किसी स्टॉक के, या आपको ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से आप स्टॉक चूज कर सकते हो। तो आप अगर जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा लास्ट 10 साल की अगर हम बात करें तो इस कंपनी की मीडियम सेल्स ग्रोथ है 18.22%, मतलब 18% से ग्रो हो रही है लगातार पिछले 10 साल से। इसके अलावा इस कंपनी के इस इंडस्ट्री की पीए की अगर बात करें तो 35.25 की पीई चल रही है, वहीं पे इस सेक्टर की पीई के सामने स्टॉक की पीई की अगर हम बात करें तो 71 की पीई है, ऑलमोस्ट डबल की पीई है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि ये स्टॉक बहुत ही महंगा है, बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है या प्रीमियम
वैल्यूएशन पे मिल रहा है। डेफिनेटली इस सेक्टर बूम में था, सेक्टर कोविड के चलते अच्छा खासा बूस्ट मिला था, उसके चलते अच्छे खासे वैल्यूएशन पे है। लेकिन आपको ये भी चीज नोट करनी चाहिए, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है और उसके बाद इसकी पी 71 की है, वरना अगर ये करेक्शन नहीं हुआ होता तो आप इमेजिन कर सकते हो किस तरीके की पी होगी इसकी। तो ये करेक्शन जो था, ये करेक्शन होना बहुत ही जरूरी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और उसके बाद भी ये वैल्यूएशन पे मिल रहा तो काफी ज्यादा करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी इसमें, और ये अभी एक डिसेंट वैल्यूएशन पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि सही वैल्यूएशन पे, बट थोड़ा बहुत प्रीमियम इस सेक्टर में या इस स्टॉक में डेफिनेटली रहेगा। इसके अलावा लास्ट 5 इयर्स की अगर इस कंपनी की मार्केट शेयर की बात करें तो आप देख सकते हो मार्केट शेयर पिछले 5 साल में इंक्रीज हुआ है, जो इनिशियली 3.45% था और इस 5 साल में बढ़ के 4.37% का मार्केट शेयर हो गया। इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो भी ज्यादा है, यानी कि इंडस्ट्री की एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ जो है 9.37% है, जबकि लास्ट 5 इयर्स में इस स्टॉक में या इस कंपनी 15.02% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। इंडस्ट्री के नेट इनकम की बात करें तो वहाँ पे भी इंडस्ट्री के मुकाबले ज्यादा है, इंडस्ट्री के एवरेज है 7.8% की नेट इनकम ग्रोथ है, इस पर्टिकुलर स्टॉक नेट इनकम ग्रोथ है आप देख सकते हो लास्ट 5 इयर्स की एवरेज 17.14%, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। इसके अलावा करंट रेशियो की अगर हम बात करें, लोगों आपको शायद करंट रेशियो के बारे में जानकारी ना हो, करंट रेशियो वो एबिलिटी है कंपनी की अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कितना जल्दी वो खत्म कर सकते हैं उसकी एबिलिटी दिखाती है। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो इंडस्ट्री की जो एवरेज है करंट रेशियो वो है 119.24, जबकि इस पर्टिकुलर स्टॉक की है 497, मतलब जितना ज्यादा हो उतना बेटर है, उतना जल्दी वो अपने करंट ऑब्लिगेशंस को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को क्लियर कर सकता है, तो ये उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो बेसिकली नंबर ज्यादा है तो इसका मतलब करंट रेशियो उतना ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ जो फोरकास्टेड है एनालिस्ट द्वारा, आप देख सकते हो पिछले 3 साल में 14% के CAGR से ग्रोथ हुई है रेवेन्यू की, लेकिन अब एनालिस्ट का मानना है कि अगले साल ये रेवेन्यू बढ़ के 29.75% की CAGR से बढ़ सकता है, यानी कि जो पिछले 3 साल में 14% से बढ़ रहा था आने वाले साल में 29% से बढ़ सकता है। इसके अलावा अर्निंग की बात करें, इनकम की बात करें, इनकम जो है पिछले 3 साल की CAGR देखें 19.47% थी, जो कि एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले साल में 24% से ग्रो होगी, जो कि एक शानदार चीज है। इसके अलावा लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस नेगेटिव पॉइंट को भी आप अगर ध्यान से समझे, पिछले 3 साल के जो रिटर्न के CAGR है वो है 41%, यानी कि कोविड के 2 साल जो इंक्लूडेड है इसमें 20 और 21 फाइनेंशियल ईयर, वो 2 साल में अच्छा खासा बूस्ट मिलने के चलते 3 साल का जो CAGR आपको दिख रहा है 41% का ग्रोथ दिख रहा है, जो कि अब क्योंकि कोविड खत्म हो चुका है तो उसके बाद आने वाले साल में आपको 12% के ग्रोथ के साथ आपको CAGR इसमें देखने मिल सकता है, जो कि प्री कोविड लेवल भी इतना ही था दोस्तों 10 से 12%, तो ये वापस अपने नॉर्मल लेवल्स पे आ गया है। तो यही वो एनालिस्ट का कहना है कि लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन इन कम्पेयर टू पिछले तीन साल कोविड थे उसके चलते ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे थे, तो आने वाले साल में आपको रिटर्न्स उतना नहीं मिलेगा लेकिन डेफिनेटली 12% के आसपास मिल सकता है, तो ये भी मेरे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे भी नजर, तो जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है डॉक्टर लालपात लैब्स, स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है 2516 पे, स्टॉक डेफिनेटली अपने प्रीमियम वैल्यूएशन पे है तो उस इंट्रिंसिक वैल्यू से हायर ट्रेड कर रहा है, FD के मुकाबले डेफिनेटली अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पा रहा है, डिविडेंड नहीं देता है इतना अच्छा, इस स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग नहीं है क्योंकि किसी भी ASM JSM लिस्ट का हिस्सा नहीं है, ना ही कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, और इस स्टॉक में एंट्री करने का ये बिल्कुल भी सही समय है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं है ये स्टॉक। इस स्टॉक के अगर हम नेक्स्ट 12 मंथ्स की डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बिल्कुल भी लो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत ही अच्छा है स्टॉक के लिए, क्वालिटी चेक्स में एकदम टॉप परफॉर्मर रहा है दोस्तों, और ग्रोथ स्कोर में सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रही है स्टॉक की। अगर लास्ट 1 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टॉक में ऑलरेडी 16% तक का करेक्शन हो चुका है, और यही अगर लास्ट 1 साल की बात करें स्टॉक ने 7% के रिटर्न्स दिए। अब आप कहेंगे 7% तो बहुत कम है, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए 7% रिटर्न्स आज के डेट पे है, जबकि ऑलरेडी इतना हाई लगा चुका था, उसके बाद इतना करेक्शन हो चुका है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वरना स्टॉक ने अच्छा खासा 40% का करेक्शन हो चुका है, तो मतलब उसके बावजूद 7% रिटर्न दिख रहे 1 साल के, मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास रिटर्न दिए थे स्टॉक ने। और अगर लास्ट 5 इयर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 164% के रिटर्न दिए, जो कि जिसमें ये 40% का जो करेक्शन है वो करेक्शन को भी अगर आप कंसिडर करोगे तो ऑलमोस्ट 200% रिटर्न दिए दोस्तों पिछले 5 साल में, क्योंकि दिखाता है स्टॉक एकदम जबरदस्त स्टॉक है और जबरदस्त रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अलावा अगर इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो लगातार आप देख सकते हो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट है, तो ये स्टॉक वर्थ कंसिडरिंग है। आइए इसको टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखते समझते कि
किस तरीके का सेटअप है इसका और किस लेवल पे इसमें हमें एंटर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेट करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी क्वेरी के कारण हो, चाहे वो स्टॉक्स रिलेटेड, कंसेप्ट रिलेटेड या फिर हमारे किसी कॉल्स के रिलेटेड या फिर कोई सजेशन या फीडबैक है, तो जरूर आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप मुझे @training_professor पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, ट्विटर पे @manifestecapital पे आप ट्वीट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपके सारे क्वेरीज को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे लालपात लैब्स का डेली चार्ट लगा हुआ। ये जो जोन मैंने बनाया ये बेसिकली उसका एक डिमांड जोन है, ठीक है। आप ये देख सकते हो डिमांड जोन बेसिकली ये रेंज का है 2093 से लेके 2460, ये रेंज है, ये रेंज आपको ध्यान में रखना है। ये उसका एक डिमांड जोन है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है स्टॉक। स्टॉक करेंटली इस पे आया नहीं है, जस्ट अप्रोच कर रहा है इस डिमांड जोन को, तो डेफिनेटली आपको नजर रखनी चाहिए इस पे। आने वाले दिनों में मार्केट की जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उसमें हो सकता है मार्केट वीक रहे, तो उसमें ये इस जोन पे आपको डेफिनेटली ये स्टॉक मिल सकता है, या इस जोन के नीचे भी चला जाता है या इस जोन में स्टॉक रहता है, तो आपके लिए वो उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आपको लेवल्स को ध्यान में रखना है और उसको कंसीडर करना चाहिए स्टॉक को एक्युमुलेट करने के लिए। ये परफेक्ट लेवल्स होंगे स्टॉक, परफेक्ट एंट्री होगी उस स्टॉक के लिए। अगर आप पिछले कुछ दिनों के डिलीवरी परसेंटेज देखो तो आप देख सकते हो लगातार 30% से ज्यादा की डिलीवरी हो रही है पिछले एक हफ्ते में, तो ये दिखा रहा है कि स्टॉक में एक एक्युमुलेशन हो रहा है और बहुत जल्द स्टॉक बाउंस बैक कर सकता है अपने डिमांड जोन से, तो आपको इस स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ब्रोकरेज हाउस की रेटिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये ब्रोकरेज हाउस है जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने इस स्टॉक को एक्युमुलेट वाला रेटिंग दिया है दोस्तों। इसका मतलब आप इस स्टॉक को एक्युमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, सही लेवल है। उन्होंने टारगेट दिया है स्टॉक को 3058 का नेक्स्ट वन ईयर में, जो कि मॉडेस्ट 13% है, जो कि इंडस्ट्री की 12% CAGR के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। तो 13% की रिटर्न डेफिनेटली ये जियोजेट का मानना है कि ये स्टॉक अचीव कर सकता है, तो आपको भी लगभग उतना ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं है तो आप इसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हो सही लेवल पे, क्योंकि ये स्टॉक मिल रहा है आपको। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ पे, तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करें, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें दोस्तों। और अगर आप ये जियोजेट की ये रिपोर्ट देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपके लाइक और कमेंट की वजह से यूट्यूब ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। प्लीज लाइक और कमेंट में कंजूसी ना करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, वरना आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिले।